हेलो फ्रेंड, मैं अवंतिका आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल अवंतिका गार्डनिंग टिप्स पे। आज की वीडियो में हम दिखाएंगे कलंचों के पौध के बारे में कि इसकी को घना कैसे करें, पानी कब दें और कैसे दें, खाद कैसे दें और कौन सी खाद कब कब दें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये देखिए हमारा कलंचों का पौधा है, देखिए कितना घना और एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है। इसकी गहराई होगी लगभग 8 इंच। इसको हमने रिपोर्ट किया था तो हमारी आप रिपोर्टिंग की वीडियो देख सकते हैं। हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, इसको घना करने के लिए हमने इसके जो सिंगल ब्रांच थी तो हमने इसको ऊपरी हिस्से को 2 पत्तियों के आसपास हमने कट कर दिया था। देखिए ये भी हमारा एक सिंगल प्लांट लगा हुआ है इसमें और ऊपर से बहुत ही सुंदर तरीके से घना हुआ है। ये देखिए इसमें सिंगल प्लांट है और इसको हमने थर्माकोल की पेटी में लगाया है, छोटा सा है उसमें हमने ग्रो किया है। मिट्टी हमेशा पोरस होनी चाहिए क्योंकि इसके घना और अच्छे तरीके से बनाने के लिए मिट्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तभी आप पौधे को लगा सकते हैं। मिट्टी अगर सही नहीं होगी तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये एक सेकुलेंट वैरायटी है तो इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल भी। अगर पानी रुकेगा तो नीचे से जड़े और तना दोनों ही गल जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड मिट्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पानी आप दे रहे हैं तो आप मिट्टी को चेक कर लीजिए कि आपकी मिट्टी में पानी रुक तो नहीं रहा है। ऐसे दीजिए पानी, मिट्टी ऊपर की सतह अगर सूख गई है तभी पानी दीजिए, अगर गीली है तो आप उसमें पानी ना दीजिए। पानी आप दे रहे हैं तो ऊपर कभी भी पत्तों के ऊपर से छिड़काव ना कीजिए। अगर छिड़काव कर दे रहे हैं तो उनको जो पत्तों पे पानी रुक रहा है आप उनको हटा दीजिए। पानी रुकने से पत्ते भी ऊपर से जो है फंगस लगती है, फंगस लगने से पत्ते गल जाते हैं और पीले पड़ के हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये ऑलरेडी मॉइस्चर लिए हुए होते हैं तो ये दिक्कत आती है। आप जब इसमें खाद दे रहे हैं तो पहली चीज़ तो आप गोबर खाद दें, ज़्यादा अच्छी होती है हर पौधे के लिए। गोबर खाद ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसमें जो भी पौधे को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो हमने क्या किया, जब मिट्टी हमने इनके लिए तैयार किया तो हमने उसमें ही 50% गार्डन सॉयल और 30% गोबर खाद और 20% हमने सैंड मिलाई हुई थी। उसके बाद हमने इसमें कुछ भी नहीं दिया। अब हमारे यहाँ नवंबर चल रहा है, नवंबर के 2 महीने पहले हमने इसमें खाद दी है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। सरसों खली या केलों को छिलकों को पानी में मिला करके रख देते हैं, 24 घंटे के बाद हम उसका पानी हल्का पतला करके, पतला इतना करते हैं कि उसकी लेयर ना बने मिट्टी पे। मिट्टी पे अगर लेयर बन जाएगी उससे भी हमारे पौधे को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो फ्रेंड आप हमेशा पानी दें, खाद दें तो पतला करके दें। ओके फ्रेंड, बाय।